कहाँ रहने वाले आप? निठारी से हूँ। निठारी मामले उस समय हम बहुत छोटे हुआ करते थे, जब हमने सुना कि ये बच्चों को मार के काट के खा रहे थे तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, डरते थे। और आज वही इतना बड़ा कैदी या कुछ भी कह सकते हो आप, वो निकल के आ रहा, वो फिर से यही काम करेगा, आसपास के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी ऐसे में तो जमानत होनी नहीं चाहिए। तो ये तो गलत है उसके, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े कैदी उन्हें भी आप जमानत दिलवाओ जो कुछ किया ही नहीं है। आप बता रहे थे कि आप बहुत छोटे थे उस टाइम। हाँ, उस समय समय था, किस तरह की परिस्थितियां थी उस टाइम? उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे माँ बाप हमें छुपाते थे, हम बाहर जाना चाहते थे, स्कूल भेजते हुए डर लगता था उन्हें, डर लगता था कि कभी ना कभी हम भी सड़क पे रहते हैं, कहीं भी हम ना हाथ आ जाए। क्या अपील करेंगे सरकार से आप? मैं तो यही अपील करूंगा, जो भी कर रही है सरकार गलत कर रही है, ऐसे कैदी को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और फांसी तक तो पहुंचाना ही चाहिए ऐसे सजा। अर्जुन प्रजापति। अर्जुन जी कहाँ रहते हैं आप? मैं निठारी में रहता हूँ। निहारी कांड में जो बच्चों और तमाम जो मामले दर्ज थे पुलिस पे, हाँ, उसमें दो मामलों में उनको जो है बरी कर दिया गया, बाकी मामले चल रहे, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दोनों लोग इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे और इसमें तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये दोष मुक्त तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। और इसमें तो निठारी गांव का भी नाम बदनाम हुआ, पूरे हिंदुस्तान का नाम गंदा हुआ इसमें। इतने बच्चों की हत्याएं, लड़कियों की हत्याएं, रेप जैसे मामले, उसके बाद भी इस तरीके से फैसला। जो हमारे घरों में आसपास के घरों में काम करती थी उनके ज्यादातर उन लोगों के बच्चे थे जो बिल्कुल गरीब थे, क्योंकि माता अपने काम करने चली जाती थी, बच्चे रहते थे, उन बच्चों को ये लोग उठा के और वहाँ उसको खाया करते थे। उस दौर में आप लोग क्या देखा करते थे? उस लोग में हल्की फुल्की पता चलती थी कि भाई एक बच्चा गायब हो गया, अब दूसरा बच्चा गायब हो गया, लेकिन मैन जड़ तक जा नहीं पा रहे थे। और वो जब केस खुला तो वहीं उसी कोठी में वो काट के खाया करता था और उसके पीछे एक थोड़ी सी जगह रहती है उसमें उसको दबाया करता था। जी, मेरा नाम पंडित प्रमोद शर्मा है और मेरा गांव निठारी है। निठारी मामले कांड में दो मामलों में उसको बरी दे दी गई, बाकी मामले चले, कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, अब पता नहीं साक्ष्यों का अभाव हो रहा है या क्या हो रहा है, ये राक्षस हैं दोनों लोग, इनको कतई जमानत नहीं मिलनी चाहिए और किसी भी मामले में बरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पूरे हमारे निठारी को बदनाम किया, पूरे नोएडा को बदनाम किया और ये काले धब्बे की तरह है ये केस, तो ये राक्षस है, इनको तो फांसी पे लटकाया जाना चाहिए, हम लोग तो यही चाहते हैं।